तो भाई फाइनली द पीपल्स चैंप्स द रॉक हमें देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया में। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के मैच के खत्म होने के बाद किसी भी सुपरस्टार को कन्फ्रंट कर सकते हैं द रॉक, जो कि WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, जो कि अभी हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। एंड देन आपको पता भी होगा भाई कि रेसलमेनिया इस बार की पूरी तरह से हॉलीवुड थीम पे है, तो द रॉक का तो आना कन्फर्म ही है, था ही और है भी भाई, और द रॉक ने ये चीज़ कह भी दिया है। तो भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिए, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो भाई द पीपल चैंप्स द रॉक ट्वीट करते हैं ट्विटर पे भाई, 40 सेकंड की वीडियो उन्होंने निकाली है, जिसमें द रॉक बोलते हैं कि सारे सुपरस्टार जो उन्होंने रेसलमेनिया में वर्क किया है भाई, NXT में जितने भी सुपरस्टार हैं, जितने भी बैकग्राउंड WWE के क्रिएटिव मेंबर हैं, सबको मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। एंड देन भाई रेसलमेनिया का जो फर्स्ट नाइट का था बहुत ही ऑसम तरीके से गया, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड मैं रेसलमेनिया को देख के बहुत ही एक्साइटेड हो गया। फिर द रॉक ये भी कहते हैं कि मेरे रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के मैच पर बहुत बड़ा नज़र रहने वाला है, क्योंकि मेरा कज़न रोमन रेंस लड़ने वाला है मेन इवेंट में, एंड सोलो सिकोवा एंड जिमी यूसो एंड जे यूसो ये सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी पूरी द ब्लड लाइन भी बहुत बढ़िया काम करी, ऐसे काम करते रहे, और मैं मिल सकता हूँ रेसलमेनिया में रोमन रेंस या मतलब ब्लड लाइन से अपने किसी भी मेंबर से, इनको मैं सामने आ सकता हूँ भाई, ऐसा रॉक बोलते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि मैं आ सकता हूँ कभी भी उनके सामने, शायद ऐसा हो भी हो सकता है कि कल रेसलमेनिया में ही मैं आ जाऊँ। तो भाई रॉक यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि वो आएंगे, एंड देन भाई रॉक अपना वो जो उनका एक बहुत बड़ा बहुत ही मशहूर भाई जो बोलते हैं अपना थॉट, वो उन्होंने वो भी बोला, पूरा नहीं बोला भाई, थोड़ा सा ही बोल के बंद कर दिया। तो भाई इससे कंफर्म मतलब हिंट दे रहे हैं रॉक कि वो रेसलमेनिया में आ सकते हैं, पूरी तरह से कंफर्म नहीं है लेकिन आ सकते हैं। एंड देन भाई कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के मैच का जो फाइनल प्रिडिक्शन फाइनल बेटिंग ऑड्स है भाई निकल के सामने आ गया है। एंड देन भाई कोडी रोड्स आपके स्टिल WWE के अनडिसप्यूटेड चैंपियन बन रहे हैं अगर बेटिंग ऑड्स से देखा जाए इस मैच को। तो भाई लेकिन आज बैटिंग ऑड्स कहीं कहीं सही भी हुआ, कहीं कहीं गलत भी हुआ, तो कंफर्म नहीं है पूरी तरह से कि WWE के जो विनर्स होते हैं वो बैटिंग ऑड्स पे होते हैं, क्योंकि आज के रेसलमेनिया में हमने देखा जो सुपरस्टार बैटिंग ऑड्स में आगे था वो जीता भी हारा भी। तो भाई शायद तक कोडी रोड्स जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, आपका क्या राय है भाई कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड द रॉक आ गए तो भाई आप कितना एंड कितना शौक होंगे भाई ये कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप द रॉक को देखना चाहते हैं रेसलमेनिया में भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड देन भाई कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस में से भाई फाइनल प्रेडिक्शन आप कर दीजिए, क्योंकि भाई इसके बाद कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के ऊपर कल सुबह वीडियो आने वाली है कि कौन सा सुपरस्टार जीता कौन सा हारा, एंड देन भाई रॉक आए या नहीं ये कल हमको पता चलेगा। तो भाई वीडियो जरूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए।